हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और अपना ध्यान रखिएगा कोरोना की वजह से। और हाँ, आज है गुड़ी पड़वा, सभी को मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं गुड़ी पड़वा की। और जो मराठी मुझे देख रहे हैं उनके लिए गुड़ी पड़व्याच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा तुम्हाला आणि तुमच्या परिवाराला। आणि तुमचा गुडी पडवा कसा चालला आहे मला जरूर सांगा कमेंट करून। आणि माझा तर खूप छान चाललाय। और हाँ, अभी मैं गुड़ी उभारने की तैयारी करूँगी, तो सबसे पहले मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मुझे लगा कि थोड़ा सा रेडी होके जो गुड़ी है उभारी जाए, तो इस वजह से गुड़ी की तैयारी हो गई है उभारने की। तो आपको अगर पता नहीं होगा गुड़ी कैसे उभारी जाती है, तो मैं आज दिखा दूंगी आपको कि क्या क्या होता है। और चलिए, पहले रेडी हो चुकी हूँ। अभी मुझे लग रहा है कि नथ वगैरह पहनूँ मैं, क्योंकि महाराष्ट्रियन जो है वो पूरा लुक नथ की वजह से आता है महाराष्ट्रियन का, तो इस वजह से मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा सा नथ वगैरह पहनी जाए। तो पहले नथ पहन लेती हूँ और उसके बाद गुड़ी उभारने की तैयारी करती हूँ। सो गाइज, नथ मैंने पहन ली है और कैसी लग रही है ज़रूर बताना। ये बाल क्यों ऐसे लग रहे हैं पता नहीं। तो ये हो गया फुल महाराष्ट्रियन लुक। तो बस अभी तैयारी करती हूँ गुड़ी उभारने की। और आज है 25 डेट। इन्होंने पूरा मतलब हार वगैरह लगा दिया है फोटोज को। हार वगैरह सब सुबह लेके आए थे, हार लगा दिया है फोटोज को यहाँ पर। आदविक देखो कैसे लग रहा है। आदवी ओ, सभी लोग बहुत सुंदर लग रहे हैं। आप भी सुंदर लग रही हैं। अच्छा, थैंक यू। मम्मा के कान नाक की और नथनी बहुत प्यारे लग रही है। महाराष्ट्र लग रही हूँ ना, फुल महाराष्ट्रियन लुक आ गया इससे नाथ की वजह से। तो आ आ बेटा, तानाजी बगितला हो, तानाजी बगितला होता। सब कुछ कर तो रहे हैं, लेकिन अभी पता नहीं वहां पर मतलब दिया वगैरह रुकेगा या नहीं रुकेगा, क्योंकि पिछले साल बहुत ज्यादा हवा थी ऊपर। माही ले लो, मुझे साड़ी पकड़नी है। क्योंकि एक हाथ से मुझे साड़ी पकड़नी पड़ती है, सीढ़ियां नहीं चढ़ी जाती मुझसे। तो चलिए देखते हैं अभी हवा से रुकेगा या नहीं रुकेगा दिया। साड़ी नहीं चाहिए क्या? साड़ी, हाँ साड़ी चाहिए ना। साड़ी एक मिनट, एक्चुअली पूजा की सारी चीज़ें पहले ही लाके रख दी थी ऊपर, और बस साड़ी लाना बाकी था। मतलब साड़ी भूल ही गई थी मैं, तो साड़ी लेने नीचे गई थी और साड़ी लेके आई थी। तो यहाँ पर नई साड़ी चाहिए होती है गुड़ी को लगाने के लिए, तो इस तरह से प्लेट्स करके उसे साड़ी पहनाई जाती है। एक लकड़ी ली जाती है, पहले लकड़ी को साड़ी पहनाई जाती है, इस तरह से साड़ी बांधते हैं मतलब प्लेट्स प्लेट्स करके। और उसके बाद उसे नीम के पत्ते और आम के पत्ते और गाठी जो होती है मतलब करके मिलती है वो गाठी हमारे साइड में, तो वो लगाई जाती है। और उसके बाद उस पे जो लोटा होता है मतलब तांबे या पीतल, तो वो लोटा ऊपर रखा जाता है। तो मैं आपको दिखाई दूंगी बाद में कि किस तरह से होता है। तो और ये वाली जो गाठी है वो शक्कर की बनती है, और ये वाली लगाई जाती है मतलब हार वगैरह चढ़ाया जाता है। तो इस तरह से इसकी पूजा की जाती है। और उसके बाद ये लोटा उसके ऊपर मतलब 5 टीके लगा के या स्वस्तिक बना के इस तरह से उसके ऊपर रखा जाता है। तो ये होता है गुड़ी का महत्व, मतलब ये है गुड़ी। और ये ना मतलब गुड़ी पड़वा के दिन हम लोग इस तरह से गुड़ी उभारते हैं। और गुड़ी पड़वा जो है वो महाराष्ट्र का फेस्टिवल है, तो गुड़ी पड़वा के दिन हमारे महाराष्ट्रियन मतलब मराठी लोगों का जो है वो नया साल शुरू हो जाता है, मराठी नया साल शुरू हो जाता है इस दिन से। तो इसी वजह से हम लोग इस दिन त्यौहार मनाते हैं। जैसे हम लोग नए साल के दिन जैसे 1 तारीख को या उस दिन कैसे कुछ मीठा वगैरह बना के हम लोग खाते हैं 1 तारीख को, तो वो इंग्लिश नया साल होता है, और 1 जनवरी। और ये जो है यहाँ से गुड़ी पड़वा के दिन से हमारा मराठी लोगों का नया साल शुरू होता है। तो इसी तरह से हम लोग इस दिन फेस्टिवल मनाते हैं, गुड़ी उभारते हैं और इस तरह से पूजा करते हैं। उसके बाद हम लोग कुछ मीठा वगैरह बनाते हैं, मतलब फेस्टिवल ही होता है, मीठा वगैरह बनाते हैं जो भी पसंद हो। और ज़्यादातर महाराष्ट्रियन पूरन पूड़ी वगैरह बनाते हैं इस दिन से। नया साल सेलिब्रेट करते हैं सब लोग मतलब 1 तारीख को, 1 जनवरी को जैसे नया साल सेलिब्रेट करते हैं, उसी तरह से हम लोग मराठी लोग इस दिन नया साल सेलिब्रेट करते हैं। और इस तरह से पूजा होती है गुड़ी
को भोग वगैरह लगाया जाता है, और उसके बाद मतलब कुछ मीठा बनाया जाता है घर में और उसी का गुड़ी को भोग लगाया जाता है। तो इस तरह से पूजा करते हैं, पूजा सिंपल सी जैसे करते हैं हम लोग पूजा, वैसे ही हम लोग पूजा करते हैं और उसके बाद फिर कुछ मीठा वगैरह बनाते हैं घर पर। तो इस तरह से हो रहा था हमारा सेलिब्रेशन। और आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों के साइड में क्या बोलते हैं गुड़ी पाड़वा को, इस दिन क्या बोलते हैं, मतलब 25 को आपके साइड में कौन सा फेस्टिवल था। हो गई ये पूजा, और इस साल भी ऐसे ही दिए का प्रॉब्लम था, दिया रुका ही नहीं वहाँ पे, मतलब दिया लगा रहे थे और बुझे जा रहा था। तो चलिए अभी चलते हैं, खाना बनाने की तैयारी करती हूँ, पूजा तो हो गई है। और आज ना फेस्टिवल होता है, तो एक्चुअली मैं इतना ज़्यादा करती नहीं हूँ, बट आज सोच रही हूँ कि पूरन पूड़ी बनाऊँ, क्योंकि पूरन पूड़ी बनाई जाती है आज के दिन। तो चलिए पूरन पूड़ी बनाने की तैयारी करते हैं। और ये बोल रहे कि श्रीखंड पूरी बनाएंगे, बट अभी देखती हूँ, इनको पूछती हूँ श्रीखंड पूरी बनानी है या नहीं। सुबह ही ये बोल रहे थे कि श्रीखंड पूरी बनाना, क्योंकि पिछले साल भी श्रीखंड पूरी बनाई थी, तो इस साल भी श्रीखंड पूरी बनाना बोल रहे थे, बट अभी सभी की सलाह लेंगे और फिर बनाओगे। बट पूरन पूड़ी तो बनानी है, शाम को बना, मतलब अभी बना लूंगी, शाम के लिए हो जाएगा। एक्चुअली मुझसे ना काम ही नहीं होते यार साड़ी पहन के, मुझे आदत नहीं है, इस वजह से काम ही नहीं होते। एक्चुअली ये गया है, मैंने पूरी बना ली है, वो पूरन जो है पूरन की दाल डाल दी है पकने के लिए, और उसके बाद अभी पूरन बनाऊंगी थोड़ी देर में, पूरिया तो बन गई है। और ये गया है श्रीखंड लाने, एक्चुअली वो थोड़ा सा आगे पीछे चल रहा था हमारा कि श्रीखंड पूरी खाए या पूरन पूड़ी बनाए, तो पूरन पूड़ी तो बनाएंगे, मैंने इनको बोला कि पूरन तो अभी टाइम पर नहीं होगा तो पूरन पूड़ी बनाएंगे, बट वो शाम को खाएंगे, अभी के खाने के लिए आप श्रीखंड लेके आओ, तो इस वजह से वो श्रीखंड लाने गए हैं। तो उधर से आने के बाद हम लोग श्रीखंड पूरी खाएंगे, और वो बोलेंगे तो पकौड़े वगैरह बना दूंगी उनके लिए। बस इतना ही सिंपल सा खाना होगा आज के दिन, हम लोग खाएंगे उसी का भोग लगाया जाएगा गुड़ी को, तो जो भी करेंगे आगे आप देख ही लेना। साइड में जो कुकर दिख रहा है आपको, उसमें मैंने चने की दाल डाल दी थी। तो अगर आपको पता नहीं है पूरन कैसे बनाया जाता है, तो आप सर्च कर लेना एक बार, यूट्यूब पे ही आपको काफ़ी सारे रेसिपीज़ मिल जाएगी पूरन की, तो बहुत अच्छा लगता है यार,
पहले मुझे नहीं पसंद था एक्चुअली पूरन, बट जब अभी खाने लगी हूँ ना तब से, मतलब पहले ना मीठा ही पसंद नहीं था मुझे, शादी से पहले भी मीठा पसंद नहीं था, शादी के बाद भी काफ़ी दिनों तक मीठा पसंद नहीं था, बट अभी जब से खाने लगी हूँ ना तब से पता चल रहा है कि नहीं अच्छा लगता है पूरन पूरी। तो मैं खाती भी नहीं थी, एक निवाला भी नहीं खाती थी, बट जब से मैं खाने लगी हूँ तब से बहुत अच्छा लग रहा है, और श्रीकांत को बहुत ज़्यादा पसंद है पूरन पूरी, तो इसी वजह से वो चल रहा था कि श्रीखंड पूरी बनाए या पूरन पूरी बनाए, पूरन पूरी बनाए, तो मैंने बोला कि दोनों भी बनाते हैं, श्रीखंड पूरी भी बनाते हैं और पूरन पूरी भी, इनको ज़्यादा पसंद नहीं है पूरन पूरी, तो इसी वजह से फिर हम लोगों ने दोनों भी बनाए, क्योंकि आज के दिन ना पूरन पूरी का ज़्यादा महत्व होता है हमारे साइड में, मतलब एक्चुअली मराठी तो कोई भी फेस्टिवल हो मराठियों का वो पूरन पूरी बनाते ही बनाते हैं, बट फिर भी हम लोगों को, किसी को नहीं पसंद है तो नहीं बनाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, कंपलसरी नहीं है, बट ज़्यादातर लोगों को पसंद है हमारे साइड में पूरन पूरी, तो अगर आपने नहीं देखी है पूरन पूरी की रेसिपी तो ज़रूर देखना और एक बार ज़रूर बना के देखना, बहुत अच्छे लगेगा आपको। और इस तरह से फिर अभी सारा खाना वगैरह हो चुका था, हम लोगों ने खाना खा लिया था एक्चुअली, श्रीखंड पूरी और क्या बोलते हैं पकौड़े बनाए थे थोड़े से, पापड़ वगैरह फ्राई किए थे, ज़्यादा तामझाम नहीं किया था, सिंपल सा ही खाना बनाया था, और बस उसके बाद फिर खाना खा लिया था। खाना खाने के बाद ये बर्तन पड़े थे तो मैंने सोचा चलो लगे हाथ बर्तन भी क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में अगर रख देती हूँ ना तो वो हो जाता है कि फिर बाद में आलस आ जाता है, एक तो फेस्टिवल के दिन ना काफ़ी सारे बर्तन निकल जाते हैं और उसमें अगर रख दो तो फिर उसके बाद फिर आलस आने लगता है, तो इसी वजह से मैं अभी क्लीन कर ले रही हूँ, क्योंकि फेस्टिवल के दिन थोड़ा सा खाना भी ज़्यादा बनाना पड़ता है, फ्राई वाई की चीज़ें होती है तो उसमें ना हमारा मन भर जाता है, मतलब कुछ खाने का भी मन नहीं करता है, आप लोगों ने देखा होगा फेस्टिवल के दिन तो लेडीज़ को, किसी भी लेडीज़ को कुछ भी खाने का मन नहीं करता है, क्योंकि बनाते बनाते ही ना उनका पेट भी भर जाता है और मन भी निकल जाता है उसमें से, तो इसी वजह से खाने का तो मन करता नहीं है। और मैंने उसमें साड़ी पहनी थी तो उसमें भी मेरा, मुझे थोड़ा सा वो हो रहा था कि कब ये निकालूँ साड़ी और मतलब चेंज कर लूँ कब, तो मैंने सोचा चलो अभी थोड़ी सी गंदी हुई चुकी है, मैंने इस पे खाना बना लिया था तो गंदी हुई चुकी है तो अभी सारी चीज़ें कर लेते हैं, मतलब इस पे ही सारा काम कर लेते हैं, उसके बाद फिर वॉश ही करनी है, क्योंकि कोरोना की वजह से अभी कपड़े वैसे वैसे ही नहीं छोड़ रहे हैं, कोई भी कपड़े अगर पहन रहा है तो वैसे ही उसे रख नहीं दे रहे हैं, नहीं तो पहले क्या होता था साड़ियाँ मैं वॉश नहीं करती थी ज़्यादा, वैसे ही रख देती थी, बट कोरोना की वजह से कोई भी कपड़े ऐसे नहीं छोड़ रही हूँ, डिटॉल के पानी से वॉश कर रही हूँ। अब जाके फ्री हुई हूँ और हाँ खाना वगैरह हो गया है, सारे काम हो चुके हैं, और ऐसा रहा हमारा गुड़ी पड़वा, मतलब अभी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ यार, साड़ी वगैरह चेंज करती हूँ, बच्चों ने तो चेंज कर लिया है, मैंने चेंज करना बाकी है, और ये चले गए हैं ड्यूटी, इनकी ड्यूटी थी तो इसी वजह से ड्यूटी चले गए, जल्दी जल्दी खाना खा के बच्चों को भी सुला देती हूँ और मैं भी सो जाती हूँ थोड़ी देर आराम करती हूँ, क्योंकि ऐसे साड़ी वगैरह पहनती हूँ थोड़ा सा ये करती हूँ ना थोड़ा सा हीवी लगता है, फेस्टिवल के दिन वैसे भी काम ज़्यादा होता है और उसमें साड़ी वगैरह पहनना और उसमें थोड़ा सा ज्वेलरी और ये हीवी सा फील होता है, तो चलिए मैं चेंज कर लेती हूँ अभी और इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर आपने नहीं किया है तो, और आप चाहो तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज़, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज़, ऑल वीडियोज़, मेकअप वीडियोज़ इस तरह से सब्सक्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टा का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हो, और फैन की आवाज़ आ रही होगी, तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।